अयोध्या जनपद में सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा परिणाम आने पर दी कैम्ब्रियन स्कूल के सुयश पांडे व इसी स्कूल की छात्रा वैष्णवी सिंह 97.6 अंक व दूसरे नंबर पर जेबीए अकादमी के मौसम त्रिपाठी 98.6 अंक व नैमिषा वर्मा 98.2% जो कि एसडीएम की बेटी है एवं इसी कड़ी में अनिल सस्ती विद्या मंदिर के छात्र साहिल श्रीवास्तव ने अयोध्या जनपद का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में छात्र छात्राओं के माता पिता ने अपने अपने बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई एवं आशीर्वाद दिया। अधिकांश बच्चों से बात की गई तो सभी आईएएस बनना चाहते हैं। इस अवसर पर बच्चों व बच्चों के परिवार में काफी खुशियां देखने को नजर आई। मेरा नाम नामेश्वर वर्मा है और मुझे 98.2% मिला है और मेरे दो सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हैं। आगे करने का क्या आपका? आगे मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और डीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। ये किसको श्रेय देंगे आप? मैं माता पिता को, बहन को और स्कूल के सारे टीचर्स और दोस्तों को। क्या मार्क्स है आपको? जी मुझे 98.8% मिले हैं और मैंने कंप्यूटर और साइंस महेंद्र ऑटोमेटेड स्कोर किया है। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? जी फ्यूचर में मैं एक आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपको मार्क्स मिले हैं इसमें किसका योगदान आप देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का योगदान सबसे महत्वपूर्ण उनका ही है। उसके बाद मेरे स्कूल के टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। सबसे ज़्यादा मैं ईश्वर को देना चाहूँगा, भगवान ने मेरी बहुत मदद की है और अपनी मेहनत। क्या नाम का है? जी सुयश पांडे। पापा क्या करते हैं आपके? जी वो वकील है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल श्रीवास्तव है। आज आपने जो है कितना अंक प्राप्त किया है? 92.8%। किस विद्यालय से थे आप? जी मैं अन्य सरस्वती विद्या मंदिर लौकुश नगर से था। आज जो ये आपने अंक पाया है इसमें किसका श्रेय जाता है? जी मेरे माता पिता का और सबसे ज़्यादा भैया का श्रेय है। वो मुझको फ़ोन करके हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और मेरे सर लोगों ने भी काफ़ी मेरी मदद करी। आगे जो है फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे आप? मैं क्लैट करके जज बनना चाहता हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। क्या नाम बताया आपने? जी मेरा नाम साहिल श्रीवास्तव। अयोध्या जनपद में चल रहे लोकसभा चुनाव के दरमियान श्रमण समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले तकमीरगंज बनघुसरा तारुण ब्लॉक निवासी दीनदयाल यादव व बाबूराम यादव के खिलाफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रांतीय मीडिया प्रभारी पाटेश्वरी सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसएसबी के कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा। एसएसबी महोदय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से तारुण थाने को अवगत कराया। आपको बताते चलें, थाना तारुण प्रभारी ने मामले को संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली और कार्रवाई करने की बात कही। आज ज्ञापन देने वालों में टीम में तारुण से जय सिंह मऊ, दिनेश कुमार सिंह, साकेत सिंह, सिंपल सिंह, आदर्श तिवारी, आनंद तिवारी, मनीष सिंह, अनुराग, सरजीत दुबे, अश्विनी सिंह, प्रशांत सिंह, अमन सिंह, अभिषेक सिंह के साथ तमाम क्षत्रिय समाज व सर्व समाज के नेता, कार्यकर्ता व नौजवान शामिल रहे। उन्होंने अपना ज्ञापन हमें दिया है, उसको हम लोगों ने लिया है। इस पर जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कराई जाएगी। पहल करने की बात हमारे द्वारा नहीं है, सभी भाइयों के द्वारा हमको बताया गया। हमारे द्वारा भी पोस्ट देखी गई, लेकिन चुनाव के दौरान चुनाव डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लोगों ने पहल उस समय नहीं किया। चुनाव कल खत्म हुआ, आज ही हम लोग कप्तान साहब से मिले और एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि कड़ी कार्रवाई ऐसे समाज में विध्वंस समाज को तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी। और हम लोग एसएसपी साहब के आश्वासन के बाद आश्वस्त हैं कि समाज को गंदा करने वाले ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन छोड़ेगा नहीं। क्या नाम है? पाटेश्वरी सिंह, प्रांतीय मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तरुण लक्ष्मी, जो ऐसी बातें थी आप लोग यहाँ पर आए, क्या सर? देखिए जिस तरीके से हमारे सवर्ण समाज को लेकर ये बयानबाजी की जा रही है, इसका कोई जुड़ाव नहीं है चुनाव से, ऐसा लोग करते रहते हैं। आज जो है, क्या नाम उनका, दीनदयाल यादव जी ने
जो अविवादित बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, इससे हम सवर्ण समाज में जो है बहुत आक्रोश है। हम लोगों ने अभी जो है एसएसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनको बताया गया है कि इस तरीके से विवादित बयान कोई भी वर्ग के लोग ना करें, नहीं तो हम लोग जो है बाध्य होंगे अगला कदम उठाने को, और इसमें क्या होगा उसको हम कह नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका जो खामियाजा होगा उसको हम कुछ कह नहीं पाएंगे। क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि इसको बंद कराया जाए, उसको जो है, क्या नाम है? दीनदयाल यादव नाम है उसका, और हमारा नाम अभिषेक सिंह सनी है, क्षत्रिय समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं हम। ऐसा ये दीनदयाल उपाध्याय यादव जी हैं, जो कि कई समय में समय से समाज में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसी भेदभाव की भावना फैला रहे हैं कि जैसे उन्होंने अभी एक उन्होंने पोस्ट किया, अपनी एक अभद्र टिप्पणी उनके लड़के ने पोस्ट किया कि स्वर्णों की बहु बेटियां, क्या नाम है, कि अंग्रेजों की तरह, जो भी उन्होंने पोस्ट किया, तो उस पोस्ट को लेकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोस्ट उन्होंने पोस्ट किया, इस पोस्ट को लेकर के सभी समाज के लोग, चाहे वो पंडित हों, चाहे यादव हों, चाहे हरिजन हों, चाहे जो भी हों, ये समाज सबके एक जोड़ करके एक माला की तरह बना हुआ है। किसी भी बहु बेटियां, चाहे वो यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे सवर्ण की हो, चाहे नीच जाति की हो, हम चाहते हैं सबकी बहु बेटियां सब एक समान है, वो हम लोग के लिए पूजनीय है, हमारी माँ बहन है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति विशेष अगर समाज में एक दूषित भावना फैलाता है, कोई एक गंदा इंसान हो जाता है, तो उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हम आप सब मीडिया के माध्यम से, इन युवाओं के माध्यम से सबसे संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग संयम से काम लें। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस कप्तान महोदय से भी अभी हम लोग भी बात हुई, पटेश्वरी जी ने बात किया फ़ोन पे, हमने भी बात की, उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आप लोग यहाँ से तत्काल तारुण एसओ से मुलाकात करें और जा करके तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी समाज में इस ढंग की अभद्र टिप्पणी करेगा उसको कठोर से कठोर सजा मिले, चाहे वो कोई भी हो। और हम लोग ये चाहेंगे कि इस चीज़ को जितने भी, यही नहीं कि केवल सवर्ण लोग ही ना इकट्ठा हों, हर जात के, चाहे वो यादव हों, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो क्या नाम है कि कोरी हों, चाहे वो निषाद हों, जो भी हों, सब लोग इसका विरोध करें, हमारे साथ आएँ। हम लोग इस चीज़ को आज, हम लोग माननीय कप्तान जी, कि हम लोग चुनाव का इंतजार कर रहे थे, पटेश्वरी जी ने, बच्चों ने, इन लोगों ने हम लोग को अचानक मात्र 12 घंटे हम लोग यहाँ पर आ गए, इन लोगों ने हमने रोका, बैठा चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद रखा जाए। हमारे एच बी सिंह जी हैं साकेत के प्रधानाचार्य जी, हम लोग उनके नेतृत्व में मिलना चाह रहे थे, लेकिन इन बच्चों की ये देखो, बच्चे कुछ ऐसा ना कर जाए समाज में। अच्छा, जिससे एक सवाल होता है, इससे अगर हम लोग अभी तो संयम से काम लेंगे, अगर भविष्य में ऐसा, अगर क्या नाम है कि माननीय कप्तान जी की तरफ से, या क्या नाम है कि प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जिसकी भी सरकार है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो ये एक उग्र आंदोलन यहाँ देश में नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर करणी सेना, क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, चाणक्य परिषद, यादव समाज, कई लोग, आप चाणक परिषद से हमारे मित्र हैं सरजीत दुबे जी, कई लोग हैं जो क्या नाम है कि इसको फिर युद्ध स्तर, प्रदेश स्तर पर हम लोग इसके लिए आंदोलन करें, चाहे सड़क काम करें, चाहे संगठन करें। दिनेश कुमार सिंह मेरा नाम है, समाज का कहना उपाध्यक्ष हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा क्षत्रिय समाज एक अकेला समाज नहीं, हमारे साथ सभी लोगों के क्या नाम है कि लोग हैं, हर समाज के लोग, हर लोग, सभी लोग सड़क पे आ जाएंगे, इसलिए इसको जल्द से जल्द रोकने की कार्रवाई और कठोर से कठोर कार्रवाई माननीय कप्तान जी ने आश्वासन दिया है करेंगे। अयोध्या जनपद के थाना मवई के अंतर्गत सैदपुर पुलिस चौकी के ग्राम बिहरिया निवासी गंगा राम पुत्र गया दिन उम्र लगभग 50 वर्ष को उस समय भारी पड़ गया जब खेत में काम करने से मना कर दिया। आपको बता चले, गंगा राम ने कहा कि गांव के ही रहने वाले अनूप सिंह पुत्र रंजीत व अज्ञात लोगों ने मुझे मारकर बेतवा नार के पास जंगल में घायलावस्था में फेंक कर चले गए। किसी तरह से मैं घर पहुंचा और परिवारजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। गंगा राम ने कहा कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है, पीड़ित दर दर न्याय के लिए भटक रहा है व उसके परिवार वालों को धमकी भी दी जा रही है। रात में 2 बजे तफात करी हुई है, एक आदमी बाएं से, एक आदमी दाहिने से कलपटा पर रायवल लगा कर, एक आदमी पीछे से मेरा लोचाई से मेरा गला दाब कर ले गया, कहाँ ले गए सर हमको पता नहीं। याद की हमको कल 2 बजे से हमारे होश आए, हमको पानी प्यास मिलने लगी, हमको कोई वहाँ मिला नहीं, फिर एक बुढ़ा भाई चलाते हुए मिला, वो चिंता था कहीं तुम यहाँ कैसे, तो कहा
भैया प्यास लाग में पानी पिया दी, कोई पानी पी लो जो हमारे पास है भैया, हम क्या मदद कर सकते हैं। कौन से लोग थे, क्या नाम था उनका? एक आदमी उसमें तो पहचान मिलता है और पहचान नहीं मिलता, उसका नाम है अनूप सिंह नाम है। क्या नाम है? अनूप सिंह। अनूप सिंह पिता का नाम क्या है? सरा रंजीत सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? गाँव ही के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? टावर की नौकरी कम करते हैं। तो क्यों मारा आपको, क्यों हो सकता? पहले रंजीत सिंह नहीं था हमारा, इनका मारपीट जो लड़ाई झगड़ा जो बच्चों से किए थे, हम उस समय खेत में थे, हम घर में थे भी नहीं, हमारे बच्चे को दोनों का मारा, मेरा जनानी को मारा, मारबो भैया 308 केस लगवा दिए, नाम हमारे दर्ज कर दी, यही रंजीत था साहब और कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा गंगाराम। पिता क्या नाम है? दयादीन। कहाँ रहने वाले हैं? गांव बिहारा। खाना कौन सा है? मवई। सर हम बाहर थे, हमारी माता जी थी और उसका भी पिताजी थे, रात को शादी के सवेरे और रात के 9 बजे के बाद 3-4 बजे के बाद क्या हुआ हम लोग पता नहीं। कौन से लोग थे क्या? सर हमारे विरोधी हैं जिससे हमारे पहले।